मक्खी बैठी शहद पर पंख लिए लपटाए, हाथ मले और सर धुने लालच बुरी बलाए। लालच में फंसकर जैसे मक्खी शहद में लिपटकर ही मर जाती है, वैसा ही कुछ हाल चीन का हुआ, जहां भारत यूएनएससी में अब अपनी सीट कर रहा है पक्की। भारत बनेगा परमानेंट मेंबर। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के दुर्लभ खनिज, वो खनिज जिससे आधुनिक दुनिया चलती है, जिसके बल पर चीन चाहे तो अमेरिका को भी बड़े झटके दे सकता है, अब उसी पर हो गया है बड़ा वार। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पर जोरदार रॉकेट से हमला, और जानेंगे कैसे भारत को अब यूएनएससी की सीट पक्की मिलनी तय हो गई है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 22 फरवरी को इराक की राजधानी बगदाद में हाई सिक्योरिटी जोन में स्थित अमेरिकी दूतावास पर 3 रॉकेट दागे गए थे। इनमें से एक ग्रीन जोन के अंदर गिरा, लेकिन बाकी दोनों पास के रिहायशी इलाके में गिर गए थे, जिसके बाद अमेरिका ने सीरिया में एक बॉर्डर डिपो को ही उड़ा दिया था। और अमेरिका ने दावा किया था कि डिपो का इस्तेमाल ईरान समर्थित ईरानी उग्रवादी कर रहे हैं, जो बाइडेन ने इस हमले को ईरान के लिए एक चेतावनी बताया था। पर एक बार फिर बगदाद में सोमवार को 7 रॉकेटों ने इराकी एयरबेस को अपना निशाना बना लिया है। यहां पर अमेरिकी सैनिक रह रहे थे। कई दिनों से अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं, जिनके लिए वाशिंगटन ने ईरान से जुड़े गुटों को जिम्मेदार बताया है। एक सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक शाम को अल बलाद में हुए इस हमले में वैसे तो कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन ये हमला लगातार तीसरी बार अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। 3 मार्च को एक अमेरिकी सब कंस्ट्रक्टर को एन अल असद के एयरबेस पर हमले में मार दिया गया था, और अब एक बार फिर इस तरह का हमला किया गया है, जो सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते अब ठीक होने की बजाय बिगड़ेंगे ही। वहीं दूसरी तरफ दुर्लभ खनिजों का बहुत बड़ा महत्व है, खास करके आजकल के दुनिया में। 17 ऐसे दुर्लभ खनिज हैं जो कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और ये इतने महत्वपूर्ण है कि इनके बगैर रहा नहीं जा सकता है। जैसे कि मोबाइल फोन की बात करें, कार की बात करें, हवाई जहाज की बात करें, मिसाइल की बात करें या रडार की बात करें, इन सभी के लिए इन दुर्लभ खनिजों का जरूरत होता है। अब जरा सोचिए, जिस देश के पास जितना ज्यादा दुर्लभ खनिज होंगे, वह देश उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। नियोडाइमियम, यह उन 17 दुर्लभ खनिजों में से एक खनिज है जो दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो या फिर वाइंड टर्बाइन हो, इन सबों को चलाने के लिए इसकी जरूरत है। आप समझ लीजिए कि इस एक खनिज की वजह से आईफोन वाइब्रेट करता है, इस एक खनिज की वजह से एयरपोर्ट्स काम करते हैं, टर्बाइन काम करते हैं, इलेक्ट्रिक कारें काम करती हैं। और हथियारों की बात करें तो इनके लिए टर्बियम, ट्रीटियम, यूरोपियम, ये वो दुर्लभ खनिज हैं जिनके लिए देश आपस में लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और इन सब में सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा खनिज पदार्थों, रेयर खनिज पदार्थों, दुर्लभ खनिज पदार्थों पर कब्जा है चीन का। चीन 90% दुर्लभ खनिज पदार्थों का उत्पादन करता था कभी, हालांकि अब ऐसा नहीं रह गया है, और अब यह 60% पर चलाया है। 2018 में चीन के पास 44 मिलियन टन यानी कि दुनिया के करीब 36.7% दुर्लभ खनिज पदार्थ थे। ब्राजील के पास 22%, वियतनाम के पास 18%, रूस के पास 10% और भारत के पास 5.8% थे, और बाकी दुनिया जिसमें अमेरिका, जापान, इनके पास 10.9% दुर्लभ खनिज पदार्थ थे। भारत की बात करें तो भारत के पास अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा दुर्लभ खनिज पदार्थों का खजाना है। चूंकि अब बात ये आएगी कि बाकी देश क्यों नहीं निकालते, या क्या उनके जमीनों में ये खनिज पदार्थ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इस तरह के दुर्लभ खनिज पदार्थ कई देशों में है, लेकिन इनको निकालना और इनको बनाने में काफी सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, जो कि हानिकारक होता है इन्वायरमेंट के लिए, और जो लोग इन मिनरल्स को बनाते हैं या उत्पादन में लगे होते हैं, यही वजह है कि बाकी के देश नहीं करना चाहते इसका उत्पादन। पर चीन की बात करें तो चीन, एक तो वहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं है, और दूसरा बहुत सारा पैसा लगाता है रेगिस्तान में और ऐसे इलाकों में जहाँ कोई नहीं रहते हैं, ताकि वहाँ पर इसका उत्पादन किया जा सके। ये सब बातें थी चीन के
एकाधिकार की। लेकिन यह मामला तब पलटी खा गया जब चीन ने ये दुर्लभ खनिज पदार्थ जापान को देना मना कर दिया था, क्योंकि जापान ने चीन के एक फिशिंग बोट को पकड़ लिया था अपने सेनकाकू द्वीप के पास। तब जापान ने दो कंपनियां बनाई और इन दोनों कंपनियों ने $250 मिलियन ऑस्ट्रेलिया के खदानों में लगाया और वहां से इन दुर्लभ खनिज पदार्थों को निकालना शुरू करा। अब ऐसा हो गया है कि चीन के ऊपर जापान की निर्भरता बहुत कम हो गई है, करीब 60% उसने घटा दिया है। कहां 91.3% दुर्लभ खनिज पदार्थों को खरीदता था वो चीन से, लेकिन अब मात्र यह 30% रह गया है। लेकिन अमेरिका अभी भी 80% दुर्लभ खनिज पदार्थों के लिए निर्भर कर रहा है चीन के ऊपर। पर अब क्वाड के देश इस चीज के महत्व को समझ रहे हैं और अब क्वाड ने ये निर्णय लिया है वो भी अपने देश में उपलब्ध खनिज पदार्थों को प्रोडक्शन लाइन में लाएंगे। आपको बता दें, भारत ने अभी ठीक से अपने देश में खनिज पदार्थों की खोज भी शुरू नहीं करी है और भारत को लिथियम और कई दुर्लभ खनिज पदार्थों के भंडार मिलने शुरू हो गए हैं। कहा यह जाता है कि भारत अगर अपने तटों में खोज करे तो इन दुर्लभ खनिज पदार्थों का बड़ा खजाना हाथ लग सकता है। वैसे क्वाड के देश अब इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं ताकि चीन के ऊपर से निर्भरता कम की जाए। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आ रही है कि यूएनएससी में भारत अब अपनी सीट पक्की करवा लेगा और यह सीट उसकी पक्की होगी उसकी वैक्सीन डिप्लोमेसी के कारण। चीन ने म्यांमार को 300,000 वैक्सीन के डोज देने का वादा करा था, लेकिन वैक्सीन अभी तक पहुंची नहीं म्यांमार, जबकि भारत ने 1,700,000 वैक्सीन के डोज म्यांमार पहुंचा भी दिए। इन दिनों वैक्सीन मैत्री के तहत भारत बड़े काम कर रहा है और लगभग 60 देशों को वैक्सीन दे रहा है। अब आप सोचेंगे कि क्या भारत अपनी महानता की वजह से ऐसा कर रहा है, तो जियोपॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है। हर चीज के लिए एक लक्ष्य होता है और भारत का भी एक लक्ष्य है। भारत का लक्ष्य यूएनएससी में दावेदारी है। अब तो भारत के विपक्षी भी ये कहने लगे हैं कि भारत की इस कूटनीति की वजह से भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलेगी, और ये कहने वाले कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर हैं, जिन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से भारत वैक्सीन कूटनीति में चीन को पछाड़कर आगे निकल चुका है, ऐसे में अब यूएनएससी में भारत की सीट पक्की हो चली है। वैसे यूएन भी कई बार भारत के कामों की सराहना कर चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरह के हालात हैं, क्या भारत को भी अपने दुर्लभ खनिज पदार्थों की खोज में ज्यादा से ज्यादा निवेश करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।